देखा पारू को? अपने टूटे दांत की हंसी हंसकर अभ्यस्त भंगी से सुबाला ने कहा, कहो कैसी लगी? अंबिका अवाक हुआ, वह मानो दूसरी ही दुनिया में जा गिरा हो। पारू? पारू कौन? पारू कौन? पारू, अरे क्यों जी, मजले भैया की बेटी, सुबाला सुंदरी की भतीजी, तुम्हारे सामने आई नहीं क्यों? अरे नहीं निकली होगी, बड़ी हो गई ना, मजली बहू ने कुछ कहा? अंबिका ने अजीब सा हंसकर कहा। सुबाला ने आश्वस्त होकर कहा, खैर तो मजले भैया ने मेरे पत्र का मान रखा, मजले भैया के नए मकान का ठिकाना तो जानती नहीं हूँ, है ना, इसलिए मजले भैया के केयर ऑफ से तुम्हारा जिक्र करते हुए मजले भैया को एक पत्र लिखा था। तो भाई बताओ क्या क्या बातें हुई, मेरी तो इच्छा है इसी महीने हो जाए। अंबिका कुछ गंभीर जैसा हो गया, बोल उठा, उफ मुसीबत है कि अंटशंट शुरू कर दिया आपने, ऐसा करेंगी तो मैं फिर भाग जाऊँगा। सुबाला शंकित हुई। सुबाला समझ गई अवस्था आशाप्रद नहीं है, मजली बहू ने शायद वैसा आग्रह नहीं दिखाया, और हो भी सकता है तो जरा वैसी ही। अंबिका को जितना ही चाहती हो, उम्र के फर्क को मन में आंक रखा है, देवर जी को संभवतः कुछ अपमान सा लगा है, सच तो यह है कि कुछ आशय से ही तो झटपट वहां गया। ब्याह करने का मन हो आया यह समझ रही है सुबाला, सोचा जाने दो पारू, नहीं तो मैं कमर कसकर लग जाती हूँ, लड़कियों की कमी थोड़ी ना, फिर सोचा उतनी उम्र की लड़कियां नहीं मिलेंगी, मजली बहू जाबाज है जो अभी तक बेटी को बैठा करके रखा है। परंतु सुबाला झट से बोल उठी, धीरे देवर का मन मिजाज भाप कर ही कहना होगा, अरे मैंने क्या किया, अरे मैंने क्या किया है, यही अंटशंट बात जान लीजिए, या ब्याह व्याह की बात तो मैं हवा हुआ। सुबाला ने डरते डरते पूछा, मजले भैया ने? दुहाई भाभी, अपने उस मजले भैया का नाम मेरे सामने ना ले, बैठा हूँ या उठ खड़ा हुआ? पायचारी करते हुए बोला, आपके मजले भैया और भाभी को अगल बगल देखते लगता है विधाता के एक निष्ठुर व्यंग का एक ज्वलंत उदाहरण। उदाहरण काहे का उदाहरण? सुबाला ने अवाक होकर कहा। छोड़िए, वह आपको समझा नहीं सकूंगा, लेकिन इतना ही जान लीजिए आपके मजले भैया के घर में प्रवेश करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। सुबाला हक्की बक्की रह गई। तो तुमने जो कहा कि मजली बहू ने बात की? हाँ बात की, रास्ते पर आकर बोली, आप मुझसे और कुछ मत पूछे भाभी। मतलब? मतलब कि मजले भैया ने तुम्हारा अपमान किया, जेल से लौटे आसामी है इसलिए घर में नहीं जाने दिया? सुबाला धीरे से बोली, समझ रही हूँ। अंबिका एकाएक स्थिर हो गया, सामने खिसक आया, बोला, असली बात समझने की क्षमता आपको इस जीवन में भी नहीं होगी भाभी, आप इतनी भली हैं कि वह सब बातें आपके माथे में नहीं आएंगी। केवल इतना कह रखूँ, कभी यदि एकाएक ही सुने कि आपकी भाभी पागल हो गई है तो अवाक मत होइएगा, शायद यह शीघ्र ही सुनना पड़े। ताज्जुब है आपके मजले भैया जैसे शैतान को सजा नहीं होती, ना तो समाज देता है और ना आप लोगों को भगवान ही देता है। आप कुछ ख्याल मत कीजिएगा भाभी, कहे बिना रहा नहीं गया, देखकर बड़ी पीड़ा हुई, लड़का भी तो देखा ठीक भाभी जैसा है। यहाँ बता देना चाहूँगी कि स्वर्णलता को शायद उसके परिवार में कभी कोई समझ ही नहीं सका, जैसा कि उसकी माँ सत्यवती थी। सत्यवती को इसलिए साहस हुआ था क्योंकि उसके पापा, उसके जो पिताजी थे वो काशीवासी थे, तो वो काशी इसलिए निवास वहाँ चली जाती है, जो इसके बाद उपन्यास पढ़ूंगी प्रथम प्रतिश्रुति उसमें इतिहास आपको पता चलेगा। सत्यवती को भी उसका पति समझ नहीं पाया, किंतु यहाँ पर स्वर्णलता को उसके बेटा बेटी भी नहीं समझ पाए, इसलिए अगर वो पागल भी हो जाए तो भी इसमें कोई अचरज नहीं होगा। सामने से हट गया एक जलन भरे गले का आक्षेप सुनाई पड़ा, इस प्रकार से जीवन का अपचय होता है, इस प्रकार से इस हतभागे देश को कितनी महत्व वस्तुएं ध्वंस होती हैं, इस पाप का प्रायश्चित एक दिन समाज को करना ही पड़ेगा, क्योंकि नारी जाति का सम्मान सबसे बड़ा है। यहाँ नारी जाति, स्वर्णलता एक नारी है और नारी का मतलब हम लोगों के जीवन में जो नारी का महत्व है उसको दर्शाती है, किंतु उस युग में वो यही अपेक्षा करती है कि शायद आने वाले युग में नारी का सम्मान हो सके, उस युग में किंतु नारी को एक घर में रहने वाली वस्तु ही समझा जाता था, जिसकी कोई अपनी इच्छा अनिच्छा नहीं हो सकती थी। ना ब्याह कराकर अंबिका को संसारी बनाने की साथ सुबाला की पूरी नहीं हुई। अंबिका पाए प्यादे भारत भ्रमण को निकला। सुबाला समझ गई वह लाख कहे इस भारत को एक बार देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि बंगाल जैसा अभागा प्रदेश कहीं और है या नहीं, देखना चाहता हूँ कि बंगाल जैसा अभागा प्रदेश और कहीं है या नहीं, पर यह समझना बाकी नहीं रहा। वह सब देख सुनकर वह अब लौटने का नहीं, यह यायावार ही हो जाएगा। उसके माँ बाप होते तो वह जिंदगी से ऐसी आंख मिचोली नहीं खेल सकता था। सुबाला अमूल्य के सामने एक प्रकार से रोककर बोली,
अमूल्य की भी आंखें लाल हो आई थी। वह भारी गले से बोला, यह तुम्हारी भूल धारणा है। उसकी माँ रही होती तो शायद तुमसे ज़्यादा प्यार नहीं करती। पर बात यह तो नहीं, माया का बंधन सब किसी को बांध नहीं सकता। बुद्ध देव क्या माँ के माँ बाप नहीं थे? नदिया की निमाई के माँ और पत्नी नहीं थी? असल में इस दुनिया का अविचार अत्याचार देखकर, दुख दुर्दशा देखकर जिनके प्राण रोते हैं, वे अन्य लोगों की तरह खास होकर दिन नहीं काट सकते। उन्हें घर में टिकना दुबर हो जाता है। उन्हें माँ बाप भी बांध कर नहीं रख सकते, पत्नी बच्चे भी बांध कर नहीं रख सकते। यह तो भी अच्छा हुआ कि किसी की बेटी को उसके गले बांध नहीं दिया गया। कहीं देश देश स्वाधीन पराधीन करते करते ही तो उसका यह हाल हुआ। आँख पहुँचते हुए सुबाला ने कहा, इसी गांव में पैदा हुआ, तुम्हारे ही परिवार में पला, उसके दिमाग में ये बातें आई कहाँ से भगवान जाने। इसके सिवाय सुबाला और क्या कहे। मनुष्य के जानने की सीमा जब समाप्त हो जाती है तो कहते हैं भगवान जाने। अकेली सुबाला ही क्यों, सभी कहते हैं। और जब खूब तकलीफ होती है तो भगवान के विचार को दोष देते हैं। सुबाला ने भी दिया और साथ ही साथ आँखें पहुँचते हुए उस डामाडोल को जाते समय जोर जबरदस्ती बहुत से चूड़ा के लड्डू दिए, नारियल का गाजा दिया, जो सबकी अंबिका को बड़े प्रिय थे। अंबिका ने मुंह में से बड़ा उत्साह दिखाया, वाह वाह क्या कहने, रहा घाट में भटकना है और नसीब क्या हो कौन जाने, जिस दिन कहीं कुछ नहीं मिलेगा यही निकालूंगा और आपकी जय जयकार करूंगा। छोड़ो, मेरी जय जयकार नहीं करनी पड़ेगी, मुझ पर इतनी माया है, यह तो साबित ही हो गया। समझ गई ना, जी गया। अंबिका हंसा, फिर बोला, रामकृष्ण परमहंस के सबसे बड़े शिष्य विवेकानंद का नाम सुना है? एक समय वह राहों में भटक रहे थे, पल्ले फूटी कौड़ी नहीं थी। मन के जोर से बोले, देखता हूँ मेरी चेष्टा के बिना ही भोजन आता है या नहीं। पर आ गया, आश्चर्यजनक उपाय से आ गया। मिठाई के एक दुकानदार ने सपना देखा, अमुक जगह पर एक भूखे साधु आकर के बैठे हैं, जाकर उन्हें अच्छा अच्छा खिला। सोचा है कैसे वैसी मुसीबत होगी तो साधु हो जाऊंगा। वह जबरन खींच खींच कर हंसता रहा। सुबाला खींच कर बोली, साधु बन जाएंगे, तुम ही कहते हो ना ये गेरुआधारी ही देश का सर्वनाश की जड़ है। जगत मिथ्या या कह कहकर उन्हीं लोगों ने ही तो लोगों को आलसी का बादशाह बना दिया। सभी परलोक की ही चिंता में परेशान है, यह लोग की तो कोई सोचता ही नहीं। कहता हूँ और कहूँगा भी, परंतु किसी किसी को देखकर धारणा बदल जाती है। खैर, आप अपना जीना खराब करें, हमारे इस धर्मपरायण देश में सीताराम कहने से ही भोजन जुट जाता है। वही तो, भीख ही मांग कर तो खाओगे तुम, सुबाला नाराजगी से बोली। इसलिए घर जमीन सब बेच दें ना, यही सबसे अधिक चिंता की बात थी। जो आदमी घर बेच कर चला जाता है वह क्या फिर लौटता है? परंतु रुपए भी कितने मिले, सुबाला के रुपए होते तो वह जरूर दे देती। कहती, देश भ्रमण के लिए तुम घर बेचोगे, मैं बैठी देखती रहूंगी। लेकिन भगवान ने सुबाला को मारकर रखा है। अमूल्य कुछ देर तक उसके साथ गया। सुबाला भी जहां तक जा सकती थी बैलगाड़ी के साथ गई, फिर जहां तक नजर आया खड़ी खड़ी देखती रही। बड़ी देर के बाद जब उड़ती हुई धूल भी बैठ गई, वह लौट आई। एक दीर्घ निश्वास फेंककर ही मन मन बोली, पुरुष की जात कोई बंधन नहीं, ब्याह नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, घर छोड़कर चला जाऊंगा तो चला जाऊंगा, बस निंदा शिकायत की कोई बात नहीं। इन मुंह जली स्त्रियों के ही सारे रास्ते बंद। हमारी मजली बहू यदि मर्द होती तो वह भी शायद ऐसा ही करती, ब्याह नहीं करती, घर में नहीं रहती। स्त्री बंदी की जात पिंजड़े में छटपटाते रहना ही है सार। लेकिन अब क्या छटपटाहट है? सुबाला की मजली भाभी तो सारी छटपटाहट को रोककर निढाल हो गई। उसने मानो प्रतिज्ञा कर ली कि अब वह साधारण होगी, वैसी ही साधारण जैसी उसकी देवरानियां जेठानियां नंदे पड़ोसी ने हैं। बिना ची चपड़ किए कर्ता की इच्छा से कर्म में सोचकर गृहस्थी कर रही है, और वह इच्छा प्रकट भी करे तो साधारण की इच्छा होगी। इसलिए पति को अवाक करते हुए एक दिन स्वर्ण ने इच्छा प्रकट की, पारुल के लिए लड़का देखो कोई इसी सावन में, जिससे ब्याह हो जाए, उसके बाद अघन में भानु कानू दोनों का ब्याह। प्रबोध अवाक बोला, भूत के मुँह में राम नाम, तुम्हारे होठों बाल बच्चों की बात। स्वर्ण हंसी, अरे भूत भी तो परकाल की सोचते हैं। फिर हंसना रोकर बोली, नहीं नहीं मजाक नहीं, जल्दी करना चाहिए। स्वर्ण क्या अपनी माँ से बदला चुका रही है? वह क्या रात के अंधेरे में बिस्तर से उठकर बरामदे में खड़ी हो आसमान की ओर ताकते हुए किसी एक उज्ज्वल नक्षत्र से कहती है, ठीक हो रहा है ना, इसी को पूर्णता कहते हैं। ठीक वही, मैं केवल अपने पूरे जीवन के अंतर इतिहास को ही बैठी बैठी लिखूंगी। लिखा है कभी कभी टुकड़ा टुकड़ा बिच्छिन्न, अब पूरा लिखूंगी अच्छी तरह से, जिन्होंने सिर्फ मेरे बाहर को ही देखा और मुझे धिक्कारा। अपनी उस स्मृति कथा में ही उन्हें ना मुंह से कहकर कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं सकी मैं। मेरे अभिमान, मेरे आवाग, मेरी असहिष्णुता ने मेरी चेष्टा को नकाम कर दिया। अब मेरी कलम बही मेरी सहाय होगी। कौन जाने कहती है या नहीं, क्या कहती है क्या नहीं कहती है, उस पगले की बात छोड़ो। हाँ, अब देखा गया
कि स्वर्णलता के उस गुलाबी दोतल्ले की छत पर 3 बार शामियाना टांगा गया। स्वर्णलता के घर के पास के डस्टबिन में केले के पत्ते पर माटी के गिलास चुक्कड़ का ढेर लगता रहा 2-3 दिनों तक। उसके बाद आदि अनंत काल जो होता आया है उसी का पुनराभिनय हुआ उसके दरवाजे पर। कनकांजलि के 1 थाल चावल में जीवन भर के अन्न वस्त्र का ऋण चुकाकर लड़की दूसरे घर के अन्न वस्त्र से पुष्ट होने के लिए विदा हुई और जलधारा दिए पथ से दूध आलता के पत्थर पर आ खड़ी हुई बहू इस घर के अन्नजन पर दावा लिए। दोनों ही दृश्य में शंख बजा, उल्लू ध्वनि हुई, वर्ण डाली सजी। केवल भीतर के सुर की भिन्नता शहनाई के सुर में पकड़ में आई। शहनाई वादक जानते हैं कब आह्वान का सुर छेड़ा जाता है और कब विसर्जन का। अब तो स्वर्णलता को छुट्टी पा सकती है। बहुएं पहले जमाने जैसी निरी नादान नहीं, बड़ी बड़ी हैं, इसलिए धूल लगे पैरों घर बसाकर फिर वे 2 महीने बाद ससुराल आकर गृहस्थी करने लगी। पारुल अपनी ससुराल चली गई और अवलहित वकुल जाने कब अपने घरंदे की धूल झड़कर पारुल की जगह में दाखिल हो गई। अब स्वर्ण ना भी देखे तो भी बहुत से काम करीने से होने लगे। अब बहुए सदा कहती हैं, आप क्यों करने लगी माँ, आप बता दीजिए ना क्या क्या करना है। सो स्वर्ण को अपनी वही के पन्नों पर कलम की लकीरें खींचने का अवसर नसीब हुआ, परंतु स्मृति कथा शुरू कहाँ से हो और वह किस धारा से प्रवाहित होकर स्वर्णलता के जीवन समुद्र में पहुंचे। स्वर्ण पहली बार जिस दिन एक सर्वहारा बालिका सी मुक्त केशी के मजबूत घेरे में आ पड़ी वही दिन क्या पहले पृष्ठ पर आएगा। प्रतिदिन का इतिहास भी लिखा जाता है क्या, प्रत्येक अनुभूति का। और फिर रोते रोते आकुल उस लड़की को एक लोड़ा लिए खींचकर ले जाते हुए मुक्त केशी ने कहा था, बहुत हुआ, अब ठाट से रोना नहीं होगा, चुप तो हो जाओ। आंख मुंह की शक्ल कैसी हो गई है, तुम्हारी माँ तो मरी नहीं है तो फिर इतना ही है क्यों। यहीं से शुरू करें कि यहाँ से जब गृहिणी कोटि की स्त्रियाँ हट गईं और प्रायः अपनी ही उम्र की एक बहू ने पाँव दबाकर आकर फुसफुस करके कहा, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ समझी, तुम्हारे सास के जेठ के बेटे की बहू, आंगन के बीच में यह दीवार खड़ी है ना, इसके उस पार का हिस्सा हम लोगों का है, आने नहीं देते हैं, इस ब्याह में आने का हुक्म मिला है, लेकिन एक रास्ता है। और उसने बता दिया सीढ़ी के रोशनदान से किस प्रकार योगा योग हो सकता है। उस समय छत की उस रोशनदान तक स्वर्ण पहुंचती नहीं थी, इसलिए 2 ईंटें लाकर वहां रखी थी, उन्हीं पर खड़ी होकर 4 आंखों का मिलन होता। उस रोशनदान से केवल हृदय का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बदस्तूर सार वस्तुओं का भी होता, बेर का अचार, आम का मुरब्बा, मसालेदार इमली, कटबेल, फुलौड़ी, बड़े, बहुत कुछ, अवश्य जो अपने हिस्से का होता उसी से निकालकर सुपारी धनिया तक। साबिक मकान की टूटी दीवार के अंतराल में स्वर्ण ने जो कुछ वर्ष बिताए उनमें यह सखित्व मरुभूमि से जैसा था। जब और कुछ उम्र हुई तो यह आदान प्रदान बेर के आचार तक ही सीमित नहीं रहा। रोशनदान की एक ईंट को ठोक ठोक कर हटाया गया और फिर उस प्रशस्त पथ से किताबें आने लगी। स्वर्ण की ओर से देने को कुछ नहीं था, उसका काम था लौटाना। देती थी जयावती, मुक्त केशी के जेठ के लड़के की स्त्री। उसका पति मुक्त केशी के लड़कों जैसा नहीं, वह वास्तव में सभ्य, मार्जित और उदार था। वह किताबें ला ला कर स्त्री को दिया करता कि उसकी आँख कान कुछ खुले। जयावती ने यही कहा था दिन में सबके सामने तो पढ़ नहीं सकती, इसलिए छिपाकर रात में, तुझे पढ़ने का शौक है, यह सुनकर वह तो एक लाइब्रेरी का सदस्य बन गया है। हंसकर बोला, अपने उस रोशनदान के रास्ते ही उसे पहुंचाओ। जयावती की उम्र 13-14 की, ब्याह हुए 3 साल हो गए, इसलिए पति के किस्से उसके पास है, उन्हीं किस्सों का उत्साह है उसे। उसके मुँह से पति के किस्से सुनकर स्वर्ण स्पंदित होती थी और सोचती, ताजुब है, ये एक ही घर के हैं। विवाह के बाद अवश्य साल भर तक स्वर्ण को बहुत सख्ती से रखा गया था। स्वर्ण को सास अपने साथ सुलाती थी, नेहर की बला तो थी नहीं, इसलिए लिहाजा घर बसाने का प्रश्न भी नहीं हुआ, नहीं तो 1 साल तो वहीं रहना था। परंतु साल भर के बाद जब स्वर्ण ने यह परम अधिकार पाया, रात का अधिकार, उस परम सौभाग्य को उसने परम आनंद से लिया था, वह इतिहास भी लिखने का है, लिखकर प्रकट करने का। हाथ में कलम लिए बड़ी देर तक सोचती रही वह, फिर धीरे धीरे कलम को रख दिया, फिर जयावती से ही शुरू किया। जयावती कहती, शुरू शुरू में डर लगता है री, फिर सब ठीक हो जाता है, और देख घर में यही आदमी तो केवल अपना है, इसलिए उसी पर जी लगा रहता है, देख लेना तुझे भी ऐसा ही होगा। स्वर्ण कहती, हूँ, वह तुम्हारे पति जैसा है ना। स्वर्ण को उस लड़के जैसे जेठ पर श्रद्धा थी, स्नेह था, सम्मान था। जयावती के सखित्व के नाते उसे ठीक जेठ भी नहीं सोचती थी, मानो बांधवी के पति का ही नाता मानती।
जब तक स्वर्णलता उस पुराने घर में थी, जिंदगी की सख्त दीवार में उसके लिए एक रोशनदान था, पर वह रोशनदान भी बंद हो गया। जेठ के बेटे और देवरों से झगड़ा झंझट करके मामला मुकदमा लड़कर आखिर अपने हिस्से की कीमत लेकर मुक्त केशी ने नए मकान की जुगत की। जयावती से मिलने जुलने का रास्ता बंद हो गया स्वर्णलता का। बहुत दिनों बाद स्वर्णलता ने फिर रास्ता निकाला, लेकिन तब उस आनंदमयी जयावती के दर्शन नहीं मिले। फिर भी आजीवन संबंध है, बाहर का ना हो हृदय का तो है। इसलिए स्वर्णलता की जीवन कथा रोशनदान से आती हुई मुट्ठी भर रोशनी की कहानी शुरू हुई। जयादी घूम फिर कर केवल अपने दुल्हे की बात करती, कैसी शरारत करता है, खिजाता है, फिर तरह कभी कभी स्त्री के कसूर को अपने ऊपर लेकर उसे गुरुजनों की डांट फटकार से बचाता है, और उसकी नेहर जाने की बात उठते ही कैसा मुंह लटका कर डोलता फिरता है, बोलता नहीं है यही सब, उससे अपना कुछ भी मिलता मिलाता नहीं, मेरे जीवन में नेहर नाम की कोई चीज़ ही नहीं, और कसूर अपने ऊपर लेना, बल्कि इसका उल्टा, माँ से अच्छा लड़का कहने की ताक में मेरा पति मेरा दोषी दिखाता फिरता है। देखता है ना, माँ इसी से सबसे अधिक संतुष्ट होती है। ठीक है, वही करो, माँ की दुल्हरा बनो। परंतु वही आदमी जब बीवी को दुलाराता है, मारे गुस्से के तन बदन में आग नहीं लग जाती। दुलार दुलार क्या हाथी जी में आता है, कमरे से निकालकर रास्ते पर भाग जाऊं कि छत पर चली जाऊं, ठंडी हवा में अकेली पड़ी रहूं, उफ कैसी सजा। अच्छा जयादी, मेरे पति भी क्या ऐसा ही है? ऐसा ही हो सकता है भला, होता तो क्या जयादी खुशी से वैसी इतराती कैसे? मेरा ख्याल है उसका पति जरूर ही भद्र है, सभ्य है, भला है। पीली पड़ गई, बही के एक पन्ने में इतना ही लिखा था। उस पन्ने की ओर ताकती हुई सोचने लगी स्वर्ण, क्या उम्र थी उस लड़की की? किंतु यह किसी ने नहीं सोचा, बल्कि सास की सहेलियों ने आकर फुसफुस करके बातें की, फिर गाल पर हाथ रखकर कहा, हाय राम, ऐसा? फिर तो बहू बड़ी वैसी है, बेटे का ब्याह करके तुम्हारा तो खूब हुआ। स्त्रियाँ ही तो स्त्रियाँ की शत्रु हैं। गृहणियाँ यदि जरा भी सहानुभूतिशील होती तो कुछ भी ममतामयी होती तो शायद समाज का चेहरा ही और होता। सो नहीं, वे अत्याचारी पुरुष समाज की सहायता ही करती हैं कि पुरुष वर्ण समाज शोध के गठन के समय स्त्री जाति की ईट चूना सुर्खी के सिवाय कुछ नहीं समझता। चुनाई के समय वह सब समय जैसी जरूरत वैसा ही उपयोग करता है। लावारिस विधवाओं का दायित्व कौन ले? कौन ले उनके रोटी कपड़े का भार? इसलिए उन्हें जलाकर मार दिया, समस्या हल। देश में स्त्रियों की संख्या अधिक है, पुरुषों की कम, एक एक पुरुष की कई कई ब्याह, समस्या मिट गई। हो सकता है इसी देश में भविष्य में ऐसा भी हो, दिन आए कि पासा पलट जाए, तब ये समाजपति ही निर्देश देंगे, सभी स्त्रियां द्रौपदी बने, वही महापुण्य होगा। कभी बाल विवाह की आवश्यकता थी, इसलिए बेटी के साथ बाद ही सामने प्रलोभन बिछाया जाता, कन्यादान करके पृथ्वीदान का पुण्य मिलेगा, गौरीदान का पुण्य, वैसा नहीं करने से 14 पुरुष तक नर्क में जाएंगे। अर्थ समस्या, अन्न समस्या के कारण कन्यादान के पुण्य लाभ की से समाज में मिटती जा रही है। लिहाजा जब 14 पुरुष नरक में नहीं जाते, शायद ही ऐसा दिन आए जब यह समाज कहेगा बाल विवाह बुरा है, बाल विवाह महापाप है। जाने किस देश में तो खाद्य समस्या के समाधान के लिए जन्मते ही लड़कियों को मार डालते हैं। कहीं मुल्क में वे जनसंख्या बढ़ाए और वहाँ बांझ होना एक बहुत बड़ा अपराध है। स्त्रियों को शतपुत्र जननी होने को उत्साहित किया जाता है। कौन कह सकता है पासा पलटे? बहुत बच्चों वाली को फांसी पर लटका दो, औरतें ही तो सब तोड़ फोड़ है। किंतु इस पुरुष जात में बोलने की वह चातुरी है कि स्त्रियां सोचेंगी वही ठीक है, यही धर्म है, इसी में मेरे इहकाल परकाल का भला है। पति परम गुरु, पति से बढ़कर देवता नहीं, धोखेबाजी चकमेबाजी। परंतु कब तक चलेगा? औरतों की आँखें नहीं खुलेंगी क्या? कौन जाने, शायद ना खुले, या खुले भी तो चालाक जात फिर कोई दूसरी चाल चल ले। यहाँ हम देखेंगे कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है, ये किस तरीके से लेखिका ने समझाया है। मूर्ख हैं, घोर मूर्ख हैं, इसे पता चलता है कि अहंकार क्या तोड़ फोड़ कर चलाती रहती है। सोचती हैं, आह कितनी मूल्यवान हूँ मैं, तुझे प्यार करता हूँ, मेरी पूजा करता है, मेरा श्रृंगार करता है, मेरी देह तो उसके सोना जमा करने का संदूक है। यह नहीं सोचती मेरा सास श्रृंगार तो उसके ऐश्वर्य का विज्ञापन है। ये ख्याल नहीं होता कि मैं गहने कपड़े से लुभाती हूँ, प्रेम के प्रकाश से मोहित होती हूँ। छी, यूं ही कह रही हूँ कि परले सिरे की बेवकूफ है। तात की साड़ियों का गट्ठर लिए ताती नाई। फरस डांगा, निर्मला आदि अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर गृहस्थों के यहाँ घूमते फिरना काम है उसका। उत्तर कलकत्ता से मध्य कलकत्ता तक
तमाम उसकी आवाज गति है। सभी के अंतःपुर की खबर उसे मालूम है। दर्जी पाड़ा के बहुतेरे घरों में वह आती जाती है। मुक्तकेशी के यहाँ भी वह सदा साड़ियाँ देती आई है। शादी ब्याह में तीज त्योहारों में सभी जानते हैं कि गिरी बाजार से ज़्यादा दाम लेती है। मुक्तकेशी तो उसके मुँह पर ही कह देती है, अरे तू रे गला काटती है, अरे गिरी साड़ी खूब जच गई यह समझ कर ही तू मरोड़ रही है। लेकिन ज़्यादा ही दाम में लेती भी है, क्योंकि एक और कारण है सबके यहाँ गिरी को प्रश्रय मिलता है। गिरी का एक और भी व्यवसाय है, वह है घटक गिरी। कपड़े बेचने के सिलसिले में बहुतों के घर की साड़ी नाड़ी नक्षत्र का अता पता रखती है, इसलिए वह काम उसके लिए सहज है। किंतु इन दिनों वह व्यवसाय कुछ मंदा हो गया। अब घटकी के जरिए ब्याह के संबंध में लोगों की वह दिलचस्पी नहीं रही। सभी स्वावलंबी हो गए हैं, अपनी ही जान पहचान का सूत्र पकड़ते हैं या शादी ब्याह के घर में देखने सुनने का सहयोग लेते हैं और कहीं ठीक ठाक कर लेते हैं, क्योंकि घटकी झूठ मूठ भी बता देती है। जरा सुन ही लीजिए, अजी बिना झूठ के भी कभी शादी ब्याह होता है? हाँ को ना, रात को दिन और दिन को रात, काले को कमल लोचन, आबनूस को चंपा फूल नहीं कहा तो फिर घटक गिरी क्या? कहते हैं लाख पूरी बात हुए बिना ब्याह नहीं होता, तो उन लाख बातों में 10-20 हज़ार झूठ भी तो हो सकती हैं। यदि सच्ची कहा जाए तो घटक की क्या विदाई लोग चेहरा देखकर करेंगे, परंतु लोग बाग मानो अब इस बात को नहीं समझते। लिहाजा गिरी का दूसरा व्यवसाय बहुत मंदा है। मंदा तो पड़ गया है, फिर भी साड़ी का गट्ठर उतारकर फैलकर बैठती हुई तंबाकू की डिबिया खोलते खोलते वह बोली, सजली भाभी बेटे का ब्याह नहीं करूँगी, तुम्हारे बड़े मुन्ने की उम्र में सजले बाबू तो 2 बच्चों के बाप हो गए थे। हमनाम होने के कारण गिरी बाला से गिरी तातिन की मानो खांसी जमती है और 2-4 साड़ियाँ खरीद लेने की जैसी जरूरत गिरी बाला को है, वैसी छोटी बहू बिंदु को नहीं है। इसलिए गिरी बाला के कमरे के सामने ही फैलकर वह बैठा करती है। बिंदु साड़ी बिल्कुल लेती ही नहीं, सो नहीं है, लेती भी है तो उधार। गिरी बाला अधिकतर नगद सेवा करती है, इसलिए गिरी की रसिकता को ज़्यादा ही बही लहरें होती हैं। मझले बहू के पिछले इतिहास की बात उठाते हुए वह चेहरे पर एक ऐसी अदा लाती है जो शायद अर्थपूर्ण होती है। गिरी बाला भी वैसा ही एक अर्थपूर्ण कटाक्ष करके बोली, अरे उसमें कोई दाम तो नहीं लगता, आजकल दिन समय खराब है, पहले यह सोचना पड़ता है कि बहू आकर खाएगी क्या। सो तो होगा ही, एक खिल्ली खैनी होठों में दबाकर गिरी बोली कि जब बहू की सास ने सारा ही ग्रास कर रखा हो तो क्या तुम मजली भाभी की पाठशाला की पढ़ी हो? यह भी तो यही सब दुहाई देख देकर बेटों का ब्याह रोके हुई थी और जाने क्या सुमति हुई कि जोड़ा बेटे का ब्याह दिया। गिरी बाला मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें घटक विदाई तो मोटी मिली ना, वह ब्याह गिरी के किए नहीं हुआ, मगर बख्शीश के तौर पर उसने काफ़ी कुछ अदा करवा ही लिया। इसलिए वह भी हंसती हुई बोली, सो तो मैं वाजिब कहूँगी, मजली बहू बहुत खुले हाथ की है। गिरी बाला ने एक प्रसंग बदला, अरे गट्ठर की गांठ तो खोलो, देखो नया क्या लाई हो, नई किस्म का कुछ है? नया छोड़ पुराना माल लेकर कभी आती है गिरी, और उसने बड़े मिजाज के साथ गट्ठर को खोला। मुक्तकेशी के जमाने में तांत की मोटी साड़ियों को ही मांग जाती थी, अब शिमला शांतिपुरी फारस डांगा की है, परंतु मुक्तकेशी वह क्या गुजर गई, इसलिए उनका जमाना भी गुजर गया। नहीं, देह से तो नहीं गुजरी, पर उसका जमाना गुजर गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। आते ही गिरी ने आंखों के इशारे से पूछा था, बूढ़ी कहाँ है? अरे अपनी क्वार्टर में है, गिरी बाला ने भी आंखों ही आंखों में कहा था। गिरी ने गट्ठर की गांठ खोली तो पर आवरण सहज से नहीं खोला, उससे सस्ता हो जाना पड़ता है। जमाई लेकर बोली, पहले एक लोटा पानी तो पिलाओ, धूप से आई हूँ, देह जल रही है। गिरी बाला ने दलान की सुराई से डालकर एक लोटा पानी ला दिया। एक सांस में पानी पीकर आंचल से हवा खाती हुई बोली, धनी होकर सजली भाभी कंजूस हो गई, पानी पिलाने पर मुझे पान भी देना पड़ता है, याद नहीं? गिरी बाला ने झट बेटी को पुकार कर पान लाने को कहा। गिरी ने धीरे धीरे सुस्त तारते हुए गट्ठर को खोला। सुहानी सी साड़ियों का ढेर, चिल्लम कोर, ताबीज कोर, रेल कोर, एलोकेशी कोर, मांग में सिंदूर कोर, स्वामी सुहागिन कोर, बसंत बहार कोर, सफ़ेद के अलावा रंगीन भी, काला पानी, बीबी पागल, धूप छां, मयूर कंठी, लाल और काले पानी की तानी भरनी में ही रंगों की भार। दाम अधिक होने पर भी साड़ियां ली जाती हैं। दुकान से लाने का तो मतलब ही हुआ पुरुषों की पसंद पर निर्भर करना, और वह पसंद कैसी होती है स्त्रियां इसे खूब जानती है। इस पर कहीं लौटाने वापस करने को कहो तो बाबू लोग लाल पीले हो जाते हैं, और गिरी चुकी उधार देती है इसलिए एकाध खरीदी भी जा सकती है चुपके चुपके। यह कुछ कम सुविधा है पर मुखापेक्षी की कितनी मुसीबत। गिरी है खूब समझती, इसे ठीक जगह पर कसती है, ठीक जगह पर उदार होती है।
खरीदार से कहती है, इस साड़ी की कीमत तुम्हें नहीं देनी है। दीदी जी, मैंने यह तो तुम्हें यूं ही दे दी, कहती है। भाभी जी के गोरे रंग पर यूं फबेगी, वह साड़ी तुम्हारे पहनाए बिना तो मेरा जीवन ही अकारत। दाम की मत सोचो भाभी, सास से कहना गिरी मुझे यूं ही दे गई। इसी तरह से वह मर देती है। गिरी वाले ने प्रसन्न होकर कहा, कपड़े तो अच्छे लाई हो, अब दाम बताओ। दाम? तुमसे मोल भाव क्या सजली भाभी, तुम क्या कुछ नहीं हो? अरे नहीं नहीं तुम कहो तो, पसंद करने में कुछ भरोसा हो। तुम्हारी बात तुम्हारे लिए दुख चुक क्या, बड़े की बीबी हो, मुट्ठी भर रुपए फेंको, कपड़े का गट्ठर लो, 7 हाथ 8 हाथ की भी है, मुन्नियों के लिए भी 2-4 लो। कहाँ हो बच्चियों? गिरिबाल ने फिर भी कपड़ा देखते देखते दाम पूछा और जवाब पाने के बाद खुशी खुशी बोली, नहीं दोगी? यह कहो ना, देने की इच्छा हो तो कोई इतना दाम कहता है? मैं कहती हूँ उस घर में के 3-3 ब्याह में तो काफ़ी मुनाफा कर लिया, वह तो बड़े आदमी की बात थी। अरे गरीब पर जरा दया धर्म तो करो। गिरी ने खुले गले से कहा, झूठ नहीं कहना, मजली भाभी ने कपड़े बहुत लिए लेकिन उसके जीव में सुख नहीं है जी। गिरीवाले ने भीतर की बात जानने की आशा से गला धीमा करके कहा, हाय राम, जिन्हें इतनी संपत्ति उन्हें सुख का रोना? गिरी ने कहा, अकारण ही दुख बोध नहीं होता, किसी किसी का स्वभाव होता है, मजलू भाभी को भी वही रोग तो है, और फिर ऐसा लगा कि बहुएं मन लायक नहीं हुई। गिरी वाला मनु जानती ना हो, बातें गढ़ने की यह लीला ही तो गिरी तातिन का तरीका है, और किसी के यहाँ मन लायक बहू का ना होना मानो एक असंभव घटना हो, इसलिए वह आसमान से गिर पड़ी। हाय राम, यह क्या, सुना तो है कि बहू बहुत अच्छी है। अजी देखने में ही अच्छी है, ऊपर की गोरी भीतर की कारी, नहीं तो ऐसी जांबाज घरनी अभी बहुओं के हाथ में गृहस्थी छोड़ देती। ऐसा जी? गिरी ने दोनों हथेली उलट कर कहा, फिर वह क्या कह रही हो? देवी जी, अब रात दिन खाता कलम लिए सिरिश्ते की तरह लिखती रहती है। तुमसे यह सब किसने कहा? और कौन, मजले बाबू ही तो साथ साथ रास्ते तक आया, दुख के गीत गाए। बहुए ससुर की मान खातिर नहीं करती, सास का ख्याल नहीं करती, और भी एक लड़की बड़ी हो गई, यही सब। बात धीरे धीरे जम गई। तब तक गिरी बाला ने 3-1 साड़ियाँ पसंद कर ली और बाकी का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, उस घर की मजली भाभी के साथ भी उधार कारोबार नहीं करना होता, यह डंक मारकर उसने गट्ठर समेटा। इसी कम समय कमरे में से मुक्त केशी का टूटा सा कंठ स्वर सुनाई पड़ा, गिरी आई है। ए गिरी, तब से तेरा गला सुनाई पड़ा, इधर ताकती भी नहीं, क्यों हुई अब आफत? गले के नीचे उतार कर खींच प्रकट करके गिरी ने ऊंची आवाज दी, आई चाची, यहाँ सजली भाभी ने 5 साड़ियाँ खरीदी हैं। इसलिए 5 साड़ियाँ? सजली बहू ने 5 साड़ियाँ खरीदी? अरे क्यों नहीं खरीदी गई, पति का पैसा हुआ है, मरण बुढ़े का, कहकर गिरी उस कमरे के सामने जाकर खड़ी हुई और तुरंत उसके कासे का सा गला झनक उठा। हाय राम, तुम्हारा यह क्या हाल हुआ चाची, यह तो मुर्दा घर जाने की शक्ल हो गई है। अजी मैं पूछती हूँ, बहू हकीम वैद्य दिखला रही है? यह रही गिरी की अपनी शैली, इसलिए गिरी से सब डरते हैं, वह अंदर महल की खोज खबर रखती है, इससे बढ़कर भयंकर और क्या है। मुक्त केशी के बेटे बेटे की बहुएं जैसा ख्याल नहीं रखती हैं, गिरी यह कहती नहीं फिरेगी, इसलिए गिरी बाला भी झट सास के कमरे में आ गई। मुक्त केशी धीमे से कुछ कह रही थी, बहू को कमरे में आते देखकर खींचकर चुप हो गई, केवल आंखों के इशारे से कुछ समझाकर उसे विदा किया। गिरी तातिन ने इशारे की इज्जत रखी, वह दूसरे ही दिन फिर उस घर में जा पहुंची, बड़े आडंबर से घोषणा की, अरे साड़ी मत्थे मरने नहीं आई हूँ मजली भाभी, आई हूँ संदेशा लेकर। स्वर्णलता बाहर निकली, पूछा नहीं, प्रश्न भरी दृष्टि से ताकती रही केवल। गिरी बोल उठी, पूछती हूँ बुढ़िया सास की कब से खोज खबर नहीं ली है? क्यों, वह तो बीच बीच में। स्वर्ण ने अवाक होकर कहा, हाँ सो तो सुना। गिरी चबा चबा कर बोली, अरे मजले भैया अक्सर ही जाते हैं लेकिन मर्दों की नज़र को क्या उतना पता चलता है, मैंने देखा बूढ़ी की अब तब हालत है। मतलब? मतलब क्या, रक्त तिसार? गिरी ने जैसे युद्ध जय की अदा अक्त क्यार की, वह अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, मरना तो खैर एक दिन ही है, सदा तोड़ी ही रहेगी, उम्र की कोई शक्ल सूरत है? 24 क्यों नहीं हुई होगी, मुझसे नहीं ही रहा। कहने लगी, मजली बहू को जरा आने को कह देना गिरी, और कह देना छिपाकर मेरे लिए काशी के 2 पके अमरूद ले आए। अमरूद? स्वर्ण ने कहा, रक्ति सारा यही बताया ना। अरे बाबा है तो बला से, मैं कहती हूँ खाने का परहेज कराकर सास को और जिलाए रखने का अरमान है या रख सकोगी? महाप्राणी को खाने की इच्छा हो गई, देना ही चाहिए, जीना होगा तो उसी से जिएगी। स्वर्ण अवाक ताकती रही, सोचने लगी ये लोग कितनी आसानी से समस्या का समाधान कर लेती हैं, राखे राम तो मारे कौन के यही वास्तविक विश्वासी है।
स्वर्ण जब तक सोचने लगी तब तक गिरी फिर एक बार बोली, सो अमृत ले जाओ या ना ले जाओ, एक बार जाना। बुढ़िया, मजली बहू कर के रंभा रही है। जाऊंगी, कल ही जाऊंगी, गिरी खुश होकर बोली। यह नहीं कह रही कि उन्हें आज ही कुछ हो जाएगा, लेकिन लग रहा है अब की बूढ़ी नहीं टिकेगी। गिरी चली गई। स्वर्ण कैसी तो अपराधी जैसी बैठी रही। सच बड़ा अन्याय हो गया, बहुत दिनों से जा नहीं पाई। वही कब जाने मुक्तकेशी स्वयं आई थी, वही अंतिम बार भेंट हुई है। मुक्तकेशी ने मजली बहू को देखना चाहा, मगर खबर भेजी है। दुनिया में कितनी अद्भुत घटनाएं घटती हैं। मुक्तकेशी स्वर्णलता की सदा से विरोधी रही। वह स्वर्ण के को पीड़ा देने में कितना स्वाद आता था उसे, फिर भी उन्होंने उसे देखना चाहा। यह सुनकर मन विषण वेदना विधुर उठा। हो सकता है बात हास्य कर हो, किंतु मिलावट रही। शत्रु शक्तिमान हो तो भी उसके लिए मन में कहीं एक बड़ी ठाव ठहरती है। रावण के मृत्यु काल में राम का मन सतत्व इसका गवाह है। बहुत दिन हो गए स्वर्ण इस घर में नहीं आई। पहले जेठ देवर की लड़कियों के ब्याह में कभी कभी आना होता था, अब ब्याह की हलचल मानो कम हो गई है। लेकिन यह किसने सोचा था कि आकर मुक्तकेशी को मृत्युशैया पर देखना होगा। खबर देने वाली ने तो दिलासा दिया था कि आजकल में कुछ होगा, ऐसा डर नहीं। परंतु शायद कल रात हठात ही विकल सी हो पड़ी मुक्तकेशी। मुंह से झाग निकल रहा था, गौ गौ जैसी आवाज सुनकर मल्लिका ने झट सबको बुलाया। रात को उसी की देखरेख में रहती है मुक्तकेशी। सभी सुनकर दौड़े। लड़कों ने हजारों बार मामा पुकारा, मुक्तकेशी टुकुर टुकुर ताकती रही, जवाब नहीं दे सकी। सवेरा हो गया, दोपहर ढली, हालात वैसी रही। कबीरा जाए, सुबोध ने कहा, अब क्या कमर में गमछा बांधिए। स्वर्ण को यह सब कुछ मालूम नहीं था, वह यूं ही आ गई थी। गाड़ी से उतरकर गली से इतनी दूर चलकर आने में स्वर्ण हाँफ रही थी। वह आकर बैठी कि आंखें बड़ी बड़ी करके विराज ने कहा, अरे यह क्या तुम्हारी ऐसी शक्ल क्यों हो गई मजली भाभी। उसकी बात का जवाब ना देकर हाँफते हुए स्वर्ण ने पूछा, माँ कैसी है। अरे अब कैसी वैसी क्या है, विराज रुआंसी से होकर उठे। कविराज तो कह गए रात भी कटेगी नहीं, लेकिन हमारे वहाँ तो खबर तक। स्वर्ण का गला एकाएक रूंध गया, वह चुप हो गई। घर में जो लोग थे उन्होंने कहा, क्या यह नहीं सोचा कि मजली की माँ को पुत्र का शोक, या मछली मरी या बिल्ली रोई है। सोचे तो कुछ असंगत भी नहीं, लेकिन मुँह से किसी ने कुछ नहीं कहा। विराज ने ही फिर कहा, देते खबर मुझे तो दे, लेकिन खैर माँ की तो जाने की उम्र है, चार लड़कों के कंधे चढ़कर जाएंगी, मगर तुम्हारी शक्ल भी तो जाने की सी हो गई है, कोई रोग बला। नहीं रोग बला क्या, कहकर स्वर्ण मुक्तकेशी की ओर बड़ी। खूब धीरे से कहा, माँ आपने मुझे बुलाया। मुक्तकेशी की आंखों में से दो आंसू ढलक आए। इतने में थर थर कांपती हुई हेमांगिनी आई, चीख कर बोली, चल दो मुक्ता, मुझे छोड़कर ही चली जाएगी। मुक्तकेशी ने टुकुर टुकुर ताका। हेमांगिनी की रुलाई से औरों को भी रुलाई उमड़ आई। पीतल का एक लोटा हाथ में ली श्यामा सुंदरी भी आई, खूब नजदीक जाकर बोली, चरणामृत पी लो नंदी, माँ काली का चरणामृत। समझ में आ गया, सबको खबर दी गई है, एक प्रबोध को ही नहीं। स्वर्णलता अपलक देखती रही, शायद वह मन को मनाती रही, यह उपेक्षा उसका वाजिब पावना है क्या। मुक्तकेशी ने भीतर का ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था, आंख के इशारे से बताया समझ गई, हाँ करने की चेष्टा कर नहीं सकी। स्वर्ण ने फिर एक बार झुककर कहा, मुझे किस लिए बुलाया था माँ। मुक्तकेशी की आंखों से फिर आंसू की दो बूंद चू पड़ी। वह स्वर्णलता के मुख की ओर ताकती रही। उसके बाद धीरे धीरे दाएं हाथ को उठाया। स्वर्णलता ने के माथे तक हाथ नहीं पहुंचा और उसी की गोदी में लुढ़क गया, आंखें मूंद गई। 79 वर्षों की तीखी तेज खुली आंखों की मानो सदा के लिए छुट्टी मिल गई। लेकिन छुट्टी लेने से पहले क्या बता गई, आशीर्वाद या क्षमा याचना। विश्वोत्सर्ग, सुबोध चंद्र हंसे, अरे इतनी बड़ी फहरिस्त ना बना दे पंडित जी, यह आप भी भली भांति जानते हैं कि मैं ऐसा दमदार यजमान नहीं हूं आपका, षोडश तक ही रखिए बस। पंडित क्षुण भाव से बोले, बहुत ही भूढ़ी थी, 4-20 के करीब उम्र हुई थी, इसलिए कह रहा हूं। और फिर तुम चाहे वैसे कमाऊ ना हो, उनके और 3 बेटे तो कमाने वाले हैं, पोते भी तो लायक हो गए हैं। सुबोध ने बीच में ही टोका, मुझे सब मालूम है पंडित जी, फिर भी अपनी जैसी सामर्थ्य मैं उसी के हिसाब से चलूंगा। आप जेठे लड़के हैं, श्राद्ध के अधिकारी, उसकी जो रीति नीति है सभी तो कर रहा हूँ, मालूम है आपकी श्रद्धा निष्ठा के बारे में आपकी बेटी से सब सुना। इस जमाने में इतना करना सबके बस की नहीं। खैर यह छोड़िए, आप एक ही षोडश की सूची दीजिए। 1, पंडित जी ने आहत स्वर में कहा, 4 भाई हैं, 4 षोडश भी नहीं करेंगे, और पोते कम से कम एक एक भोज्य, मैं अपनी ही कह रहा हूँ, आश्चर्य आप समझे क्यों नहीं। पंडित ने फिर भी
कहा, पता है आप सबके चूल्हे अलग है, किंतु माँ का श्राद्ध एक साथ करने की ही विधि है, जिससे जो बने आप बड़े हैं आपको दे देंगे आप ढंग से। सुबोधचंद्र हंस उठे, हंसकर बोले, आप महज शास्त्र की ही विधि जानते हैं पंडित जी, यह नहीं जानते कि साजे की माँ को गंगा नसीब नहीं होती? समझ क्यों नहीं आ रहा आपको? मेरी सूची समय रहते बना दे। पंडित चले गए। सुबोध आकर खड़ा हुआ, ताऊ जी माँ कह रही है। माँ? सुबोध जरा संभल कर बैठे, सुबोध की माँ क्या कह रही है? शौर कार्य तक प्रबोध और स्वर्णलता को इसी घर में रहना पड़ा है, टोले मोहल्ले के लोग आत्मीय कुटुंबों का ऐसा ही निर्देश था, इसलिए स्वर्णलता बकुल के साथ यही है, लड़के आते जाते रहते हैं। चंपा तो आ ही गई, श्राद्ध के समय चन्न पारुल भी आएंगी। जो भी हो, सुबोध को इन बातों से वास्ता नहीं, स्वर्ण यही है वह यह भी जानता है या नहीं संदेह है। सो माँ कह रही है, सुनकर संदिग्ध गले से कहा, क्या कह रही हो? शिखंडी स्वरूप सुबल बीच में था जरूर, पर स्वर्णलता ही का ही गला सुनाई पड़ा। माँ जी के चार लड़के मौजूद हैं, पोते भी लायक हो गए, उनका तो वृषोत्सर्ग ही होना चाहिए। अपने घर की मजली बहू को सुबोध अवश्य कभी लज्जाशील नहीं मानते, लिहाजा इस साफ गले से अवाक नहीं हुए, लेकिन हाँ विचलित कुछ हुए शायद। गंभीर गले से धीरे से बोले, उचित है यह जानता हूँ मजली बहू रानी, लेकिन जैसी सामर्थ्य हो, मुझे उतनी सामर्थ्य नहीं। अब सुबल के माध्यम से ही बात हुई। माँ कह रही हैं, आप आगे बढ़िए, आपके पीछे सब है। मेरे पीछे? सुबोध चंद्र का गला कांपता सा और टूटा सा सुनाई पड़ा। मेरे पीछे कोई नहीं सुबल, सबके सामने केवल भगवान है। तू अपनी माँ से कह दे बेटे, कल यह चर्चा हो चुकी है। मेरे तीनों भाइयों ने साफ जवाब दे दिया, 30 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं देगा, मेरी अवस्था भी वैसी ही है, इसलिए इस बात के लिए अपनी माँ को अंदर जाने को कह दे। यह अवश्य प्रसंग पर यवनिका डालने का संकेत था। फिर भी स्वर्णता ने यवनिका नहीं डालने दी, हो सकता है प्रबोध की नीचता की इस खबर से उसे नए सिरे से आश्चर्य हुआ, इसलिए बोलने में कुछ समय लगा और बोली तो गले का स्वर बुझता आता सा लगा, फिर भी बोली, सुबल कह उनसे कि ताऊ जी माँ की एक विनती रखनी होगी। विनती? विनती रखनी होगी? सुबोध चंद्र परेशानी महसूस करने लगे। सदा की तो पागल है, जाने क्या जिद कर बैठे, क्या पता क्या संकल्प करके उसके दरबार में आई है। यह सब चिंता पल में ही खेल गई और दूसरे ही क्षण हंसी के साथ सुबोध के मुंह से निकला, रखनी ही होगी, यह तो गोया सादे कागज पर ही सही करवा लेने से जैसी बात हुई रे। सुबल बता क्या? माँ आप ही कह रही है, कहकर सुबल खिसक कर खड़ा हो गया। घूंघट काढ़े स्वर्णलता उसके बगल में आकर खड़ी हुई और बेटे तथा जेठ को हैरान करते हुए धीमे से बोली, सुबल तू जरा कहीं चला जा तो जा बेटे। सुबल तू कहीं तट चला तो जा, यानी जेठ से अकेले बात करना चाहती है? इससे बढ़कर असंभव क्या हो सकता है? सुबोध चंद्र कुर्सी से उठ खड़े हुए, कुछ कहना चाह। सुबल धीरे धीरे चला गया और स्वर्ण ने आगे बढ़कर जेठ के पाँव के पास कुछ चीज रखकर धीमे किंतु दृढ़ स्वर से कहा, आपको यह सब लेना होगा, बस यही विनती है, अपना समझकर इन चीजों को बेच दे और जैसा चाहे खर्च करके माँ का क्रियाकर्म करे। सुबोध को जैसे सांप ने फन मारा, आंखों के से सोने की उन चीजों को देखकर गंभीर हंसी के साथ बोले, यह तो विनती नहीं बहु रानी, हुक्म है, किंतु यह हुक्म बजाने की जरूरत मुझ में नहीं, तुम मुझे माफ करो। गले का हार, भारी सा कलाई की चूड़ियां, उन गहनों की ओर से नजर हटाकर स्वर्ण ने कहा, मैंने सुना है यह तो स्त्री धन है, इस पर पति पुत का कोई दावा नहीं, फिर आपत्ति कैसी? सुबोध ने इस बार और भी भारी गले से कहा, यह क्या कह रही हो मजली बहू? तुम्हारे गहने बेचकर माँ का श्राद्ध करूँ? मैं गरीब हूँ तो? मजली बहू ने धीमे से गले से कहा, माँ के श्राद्ध में त्रुटि रह जाए और माँ की बहुए बदन पर सोना लादे घूमती रहे, यह भी तो गलत है। गलत? सुबोध चंद्र मानो कुछ चौंके, फिर जरा हंसकर बोले, ऐसा अनिमय तो संसार में भरा है बहुरानी, चांद सूरज का नियम कानून है, इसलिए पृथ्वी टिकी हुई है, किंतु यह सब छोड़ो, तुम ये चीजें उठा लो, तुम देने के लिए आई हो, माँ की आत्मा इसी से तृप्त हो गई, उनकी हो सकती है और हमें भी तो तृप्ति शांति चाहिए, आपके पैरों पड़ती हूँ, इतना तो आपको करना ही होगा। सोचिए कि ये रुपये आपके हैं, फिर तो सारा झमेला ही चुक गया, माँ के कपूत बेटों ने रुपया रहते हुए ना कहा, इस पाप का प्रायश्चित भी तो होना ही चाहिए। मैं जा रही हूँ, आप इनकार ना करें, इनकार करेंगे तो नहीं लेंगे तो मैं समझूंगी मैं पतित हूँ, इसलिए स्वर्ण के गले की आवाज़ एकाएक बंद हो गई, मैं जाती हूँ, कहकर गले में आंचल डालकर उसने झुककर प्रणाम किया और सुबोध को कुछ कहने का मौका ना देकर झट से चली गई। सुबोध हा किए ताकते रह गए, सोने के इन गहनों का अब करे क्या। अंत तक सुबोध चंद्र ने उन गहनों को ले लिया, रूंधे गले से स्वर्णलता के वैसे चले जाने से उन्होंने मानो एक परम सत्य की उपलब्धि की, इसी सत्य ने शायद सारी दुविधाओं को पहुंच डाला।
धूमधाम से ही मुक्त केशी का वृषोत्सर्ग श्राद्ध हुआ। कौन जाने उनकी आत्मा सचमुची तृप्त हुई या नहीं, सुबोध ने किंतु सोच ही लिया हुई। सुबोध के चेहरे पर उस परी तृप्ति की छाप रही। आड़ ओट में गरजे लोग कहने लगे, सुबोध कैसा गुमसुम आदमी है, इतना खर्च किया, रुपए जमाते तभी तो किया, लेकिन कोई यह भाव पी सका था। प्रबोध ने भी आकर यही कहा, देख लिया, सदा ही कहते रहे मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पति की ओर एक बार स्त्री दृष्टि से ताककर स्वर ने कहा, बुरा क्या है, जमा रुपयों को किसी बुरे काम में तो नहीं लगाया, सदव्यय ही तो किया है, तुम्हें तो रुपये की कमी नहीं। तुम एक सत्कार्य करो ना, अपनी माँ की इच्छा पूरी करो। माँ ने बहुत से कंगलों को खिलाने का प्राण लिया था, माँ की बड़ी इच्छा थी। माँ की इच्छा, प्रभु चौकन्ना हो गया, अपनी यह इच्छा माँ ने तुम्हारे कानों में कब कही, तुम तो जब आई थी तब तो उनकी बोलती बंद हो गई थी। स्वर्ण क्षीण सी हंसी हंसी बहुत दिनों के बाद बोली, नहीं, यह इच्छा उस समय प्रकट नहीं की थी, जब तब की बात है जब वह खूब बोलती थी। तुम्हारे यहाँ के जगन्नाथ घोष की माँ जब मरी थी तो कंगलों को खिलाया जा रहा था, याद है, उस समय माँ ने कहा था, मैं जब मरूंगी तो मेरे बेटे क्या कंगला बोझ कराएंगे। ओ, यह बात प्रभुत ने फूक में उड़ा दिया। ओ जीते जीते लोग ऐसी कितनी बातें करते हैं, उन सब बातों को पूरी करो, फिर तो हो गया। खैर मान लो मुझे ही यह इच्छा हुई, प्रबोध ने विश्वास किया इसलिए बोला, तुम्हारी तो सदा से ही ऐसी अजीबोगरीब इच्छाएं हैं। बहुत दिनों के बाद स्वर्ण मामा ससुर के यहाँ घूमने गई। बड़े बेटे भानु ने अभी अभी एक गाड़ी खरीदी है। बड़ी बहू ने कहा है, अपने बेटे को आ जाने दे माँ, उसके बाद जाइएगा। स्वर्ण फिर भी किराए की बग्घी से ही गई। कहा, वहाँ तो बराबर किराए की गाड़ी से ही जाती रही हूँ बहू, रहने दो जोड़ी गाड़ी। वह बहू भी बुदबुदा कर बोली, आदर जतन लेना न चाहे तो कौन दे। स्वर्ण ने सुना नहीं, गाड़ी पर जा बैठी। श्यामा सुंदरी ने आदर से अपनाया, आओ बिटिया आओ, उम्र उनकी भी कुछ कम नहीं है, मुक्त केशी से छोटी तो है पर उनके बड़े भाई की पत्नी है, फिर भी खासी मजबूत है, अभी भी स्वयं पका चुका कर खाती है, पैदल ही गंगा नहाने जाती है। स्वर्ण ने बहुत दिनों से नहीं देखा था, देखकर ताज्जुब हुआ, प्रणाम करके पैरों की धूल ली, शायद दो मतलब से। श्यामा सुंदरी ने खोद खोद कर कुशल क्षेम पूछी, बच्चे सब कैसे हैं, चंपा पारुल चंद सब ठीक तो हैं, वही तुम्हारी सास के कामकाज के समय सबसे भेंट हुई थी। यह वह उत्तर देते देते स्वर्ण एकाएक बोल उठी, जेठ जी घर में हैं। कौन, जग्गू? श्यामा सुंदरी ने मुंह बिचकाकर कहा, होगा नहीं तो जाएगा कहाँ, अब तो आठों पहर घर में ही है, मेरे कान का सिर खाने के लिए घर में एक छापा खाना खोले बैठा है। इस खबर से स्वर्णलता अवाक नहीं हुई, यह खबर जानती थी मानो। केवल स्वर्ण का मुखड़ा हो कुछ दमकता सा दिखा, बोली, अच्छा चलता है छापा खाना, बढ़िया छपाई होती है। कह नहीं सकती बिटिया, श्यामा सुंदरी ने लापरवाही से कहा, रात दिन आवाज तो होती है, कहता तो है कि खूब लाभ हो रहा है, कहता है जब उम्र थी तब कर लिया होता तो लाल हो गया होता, रोजगार की चेष्टा तो कभी की नहीं, तिलक काटता और माला फेरता था, और मोहल्ले के लोगों के जन्म मृत्यु ब्याह बीमारी शोक दुर्गा पूजा इससे सभी में रहता था। एकाएक यह ख्याल आया, उसके दिमाग में यह निताई नहीं डाला है, अपने ईक के बोझ से संभवतः वह प्रवचना दी है, कहता है घर से कुछ अदा करूं, तुम्हारी दाई के हाथ में यह वह सब कहाँ है बहू। स्वर्ण ने सकुचाते हुए कहा, जी कुछ नहीं, कुछ फल है आपके लिए, कुछ जेठ जी, आज मैं आपसे एक बात कहने आई हूं मामी जी। स्वर्ण के सकुचाए भाव को देखकर श्यामा सुंदरी विस्मित ही बोली, कौन सी बात बिटिया, कह रही थी। स्वर्ण अटक गई, श्यामा सुंदरी और भी अवाक हुई। स्वर्णलता की ऐसी कुंठित मूर्ति, वह तो सदा सप्रतिभ रहती है और कुंठा में कैसा तो प्रार्थी का भाव, ऐसा भाव तो रुपये उधार लेने में देखा जाता है, पर स्वर्णलता के लिए वह आशंका तो नहीं उठती। तो श्यामा सुंदरी की प्रसन्न भरी दृष्टि के सामने स्वर्ण जरा अप्रतिभ हंसी हंसी, उसके बीच बाद आंचल के नीचे से जिल्द बंदी एक मोटी बही निकालकर बोल बैठी, जेठ जी ने छापा खाना खोला है सुना था, इसलिए शौक हुआ आई मैं, अपने से तो कह नहीं सकती, यदि आप उनसे कह दें। बुढ़ापे की आंखों में कौतूहल निखारकर श्यामा सुंदरी बोली, उससे किस बात के लिए, क्या कहूँगी मैं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ बहू। स्वर्णलता मुस्कुराई, समझ सकेंगी भी नहीं तो बताऊँ, बचपन से मुझे कुछ लिखने का शौक रहा है, सबकी नज़रों से छिपाकर सब दिन थोड़ा बहुत लिखती रही हूँ, यही पद्यबद्ध इधर कहानी कहानी जैसा भी कुछ लिखा है, लेकिन उन्हें छापने की बात कभी सपने में भी नहीं सोची, जब से सुना जेठ जी ने छापा खाना खोला है तभी से जी में हो आया, यदि किताब जैसा कुछ छपाया जा सके जो लागत लगेगी मैं दूंगी, एक ही बात है कि पहले किसी को भी मालूम ना हो, छप छपा जाए तभी लोग जाने देखें
आप कह दीजिए ना मामी जी, जेठ जी यदि अभी देख लें। प्रौढ़ा स्वर्णलता की आंखों में भावाकुल नादान किशोरी की दृष्टि। जो स्वर्णलता समुद्र का सपना देखा करती है, वह स्वर्णलता क्या आज भी नहीं मरी? थोड़ा सा प्राण सजोकर कहीं किसी जगह जी रही है। वह खत्म न होने वाला आग कहाँ है, जो आजीवन बर्फ पानी डालने पर भी नहीं बुझी? श्यामा सुंदरी ने फिर भी विस्मय से पूछा, किताब छपेगी? कहाँ है किताब? स्वर्ण मुस्कुराकर बोली, किताब तो बाद में छपेगी, यह वही। इसे आप जेठ जी के पास ले जाएं, वे ठीक समझेंगे। उस बही को हाथ में लिए उलट पुलट कर भौचक्की सी ही श्यामा सुंदरी बोली, यह सब तुमने लिखा है इतना सारा? यही तो पागलपन है। स्वर्ण हंसी, खुद से लिखा है कि कुछ देखकर? स्वर्णलता बच्ची जैसी आवाज कर उठी, ना ना, देखकर क्यों लिखने लगी, फिर अपना क्या हुआ? श्यामा सुंदरी को अब इसमें दूर नहीं हुआ, बोली, मजली बहू, इतनी बातें तुम्हारे माथे में मन में आई कैसे? स्वर्णलता के मुंह में आ गया, माथे में मन में जितनी बातें आती हैं सब लिख सकती तो हजार वही में भी पूरा नहीं पड़ता मामी जी। लेकिन यह बात उसने कही नहीं। श्यामा सुंदरी चली गई। जरा देर में प्रेस के मालिक जगन्नाथ चंद्र आकर खड़े हुए। चेहरा वैसा ही था, वैसा ही गठा हुआ गठन, वैसा ही हड़ताल सा। बदलने में सिर्फ कुछ बाल ही पके थे। पहनावे के पहले ही जैसा लाल कपड़ा, गले में रुद्राक्ष, कपाल पर रक्त चंदन का टीका, मतलब कि इसी वेश में वे छापा खाने में बैठते हैं। जग्गू ने खांस कर पूछा, माँ पूछ तो देखो भाई रानी से, ये लिखावट किसकी है? इशारे से जवाब पाकर श्यामा सुंदरी बड़े उत्साह से बोली, कहा तो सब बहू की है, लिखावट तो बड़ी सुंदर है। प्रशंसा बड़ी दृष्टि से बही के पन्ने उलटते हुए जग्गू ने कहा, एक स्त्री की लिखावट इतनी अच्छी सहज में देखने को नहीं मिलती, कहाँ से उतारा है यह सब? श्यामा सुंदरी बोल उठी, जरा सुन लो इसकी भूतिया बात, कहा तो कि सारा कुछ बहू ने अपने मन से लिखा है, किताब लिखने वाले जैसा लिखते हैं। यह गद्य पद्य सब? सब। श्यामा सुंदरी अब ज्ञानदात्री हो गई। जगन्नाथ ने सतो उत्साह से कहा, तुमने तो हैरत में डाल दिया माँ, इतने दिनों से मैं जानता हूँ, कहाँ कभी तो सुना नहीं। श्यामा सुंदरी, अरे सुनता कहाँ से, मजली बहू अपने गुण का ढोल पीटती नहीं फिरती। तेरे छापा खाने की सुनकर हौंसता हुआ कह रही है, जो लागत लगेगी वह देगी, तू जरा देख सुनकर। लागत की बात? कैसी लागत की बात? जग्गू हा हा कर उठा, मेरे प्रेस में उन्हें लागत क्या, रख जाए बहू, कल ही प्रेस में दे दूंगा मैं तो, लेकिन उनके गुण पर अवाक हो रहा हूं ना। बुआ के घर यह मजली बहू लक्ष्मी आई थी, इसलिए भगवान ने उड़ेल कर दिया भी है, मन के गुण से ही धन होता है, पेवों ने बड़े भाग्य से ऐसी लक्ष्मी पाई है। स्वर्णलता लबालब मन लिए घर लौटी, सोचने लगी, ईश्वर पर अविश्वास होने से ही शायद वह इस प्रकार से अपनी करुणा प्रकट करते हैं। आदमी पर से आस्था उठ जाने से ही ईश्वर पर अविश्वास आता है, फिर भी कहीं शायद कुछ आशा थी, इसलिए दुविधा चित से उस आशा के द्वार पर धक्का देने गई थी, पर वह देखने के लिए बंद दरवाजा खुलता है या नहीं। देखा, दरवाजा तो हाँ किए खुल गया। भीतर के मालिक ने हंसते हुए आगवानी की, आओ बैठो पानी पियो। हाँ, स्वर्णलता को यही लगा। उस बात के क्रम से स्वर्णलता ने मामी जी के माध्यम से फिर छपाई की बात उठाई थी। स्वर्णलता के जग्गू जेठ जी ने उसे चुटकी बजाकर उड़ा दिया, कहा हूँ कागज की कीमत दूर, बुराबंदी कागज खरीदा रखा है, अभी नहीं तो 2000 वर्ण परिचय छप रहा है, बहू रानी ने किताब लिखी है, यह क्या कम खुशी की बात है? छाप कर छाती फुलाए लोगों में कहता फिरूंगा, मेरी हमारी बहू रानी कितनी गुणवती है, कलेजा दस हाथ ऊंचा हो जाएगा। यह सुनकर सहसा भूकंप जैसे एक प्रबल उच्छ्वास से स्वर्णलता का संपूर्ण शरीर डोल उठा। जीवन के 3 काल काट लेने के बाद स्वर्णलता ने आज पहली बार सुना था कि वह गुणवती है। यह सुना कि उसके किसी गुण से कोई गौरव कर सकता है, किंतु यह गुण ही तो सदा उसका दोष रहा है। शुरू से ही थोड़ा बहुत लिखने का अरमान था, पर उस अरमान को मिटाने में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कितना छिप छिपा कर, कितनी सावधानी से, शायद रात को जब उधर ताश का अड्डा खूब जम उठा और इधर तड़के लड़के लड़कियां सब सो गई, तब वह जरा कॉपी कलम लेकर बैठ पाई। किसी कारण से प्रबोध कमरे में आया, पढ़कर देख लिया, फिर क्या शुरू हो गया व्यंग फटकार, और यह सिलसिला चलता रहा कुछ खासे दिनों तक। जिस घर में स्त्री विद्यावती होकर कलम थाम बैठी, उस घर में लक्ष्मी की विदाई की बात भी आई, और कलम थामने वाला हाथ अब छलनी करछुन नहीं पकड़ना चाहेगा, इसमें संदेह है क्या? इस कॉपी के लिए उसे बहुत बार बहुत बहुत खरी खोटी हजम करनी पड़ी, अभी ही क्या नहीं कटुकती ना सही वक्तोड़ती ही सुनाई पड़ती है, और वह उक्ति आजकल बहुत बार लड़कों की ओर से आती है, स्वर्णलता के रक्त मास से गठित लड़कों की ओर से। बात क्या है, कोई थीसिस विसिस लिखी जा रही है क्या?
माँ ने रसोई घर को बिल्कुल तिलांजलि ही दे दी है। रे क्या बकुल, दिखाई नहीं दी पड़ती? सुबल तू तो जानता है महाभारत लिखने में वेद व्यास को कितने दिन लगे थे मालूम है? यह प्रबोध की शिकायत सुनी जाती। आजकल रसोई कैसी बन रही है बकुल? यह मछली किसने पकाई, तूने शायद? यह तो मुंह में रखना ही लामुहाल हो गया है। जानता है कि बकुल ने नहीं, रसोई लड़कों की बहुओं ने की है, फिर भी ऐसा ही कहता है। शायद चीर परिचित वही जनानी प्रथा को ही बरकरार रखता है, दाई को पीटकर बीवी को सिखाता है। और यह शिकायत भी होगा ही, घर की मालकिन अगर गृहस्थी को ठुकराकर कागज कलम लिए पड़ी रहे तो अपचय बर्बादी अव्यवस्था तो होनी ही है। स्वर्ण के कानों पहुंचती है पर वह कानों लेती नहीं। स्वर्ण यह सब सुनने से विरत हो गई है, वह अभिमान रहित होने की साधना कर रही है, लिहाजा जवाब नहीं देती। स्वर्णलता अपने घर के सभी सवालों का जवाब शेष अदालत में पेश करने के लिए तैयार कर रही है। उस जवाब के विवरण से शायद उसका घर उसे समझे, और वह समझना समझने पर भी अपनी भूल, अपनी बेवकूफ़ी, अपनी निर्लज्जता समझ पाएगा। स्वर्णलता की स्मृति कथा उसका बयान है, अपने उस बयान को वह अब प्रकट कर पा रही है कॉपी के कारागार से प्रकाश भरे राजपथ पर। मनुष्य के माध्यम से ईश्वर की करुणा उतरी है, उसके आजीवन की कल्पना, आजीवन के सपने सफल होने को आए। यह मानो एक अलौकिक कहानी हो, जिस कहानी से यंत्रबल की महिमा कीर्तित होती है। नहीं तो सदा से आवारा गर्द से जग्गू ठाकुर को हठात छापाखाना खुलने का शौक क्यों? ईश्वर ने ही स्वर्णलता के लिए हठात बेहद सुंदर, बेहद उज्ज्वल जो है बात की। खुशी से झलमल प्रातः के उजाले से बदरंग हुए आते गुलाबी रंग का यह मकान सुनहला उठा। अपनी गृहस्थी भी सहसा भरी लगाई। यह सब कुछ तो स्वर्णलता की अपनी सृष्टि है, इनसे बीत स्प्रह हुआ जा सकता है भला? इन पर विरूप होना सोता है। ये स्वर्णलता को प्यार नहीं करते, स्वर्णलता की यह धारणा भूल है। बेशक प्यार करते हैं अपने ढंग से, खैर वैसे ही करने। स्वर्णलता भी उन्हें समझने की चेष्टा करेगी। हो सकता है जीवन के अंतिम छोर पर आकर वह जीवन का अर्थ खोज पाए, और उसी में खोज पाएगी जीवन की पूर्णता। आशा का क्षितिज कर्मशः नए सूर्योदय की प्रतीक्षा में उद्भासित होने लगा। केवल यही बयान के स्वर्णलता ने और भी तो कुछ लिखा है, जो शिल्प है, सृष्टि है, जहाँ स्वर्णलता ही है, जहाँ कोई ऊपर वाला नहीं, जहाँ स्वर्णलता के अस्तित्व का सम्मान रहेगा, जहाँ वह स्वयं विधाता है। आह, इस कल्पना में कैसी अनोखी मादकता है! यह जैसे किसी किशोरी के प्रेम की पहली अनुभूति हो। प्रतिक्षण मन में एक मोह माया सुर गूंजने लगा। वह सुर रात की तंद्रा में भी आने जाने लगा। रोज नई किताब लिखी जा रही है, रोज रोज छपकर निकल रही है। स्वर्णलता की महिमा देखकर सब अवाक हो रहे हैं और सोच रहे हैं, अरे ताज्जुब है, अब तक कैसा बचपना करती आई है स्वर्ण। वह इस तुच्छ गृहस्थी की वितरूपा और प्रसन्नता से अपने मुखले खोजती रही, लाभ और हानि क्या लेखा लगाती रही। किंतु स्वर्णलता कोई अपनी मुट्ठी में ही राजा का ऐश्वर्य है। स्वर्णलता के पीले पचफोरन की गृहस्थी को जो चाहे ले ना ले, लेकिन बल्कि उसे रिहाई दे। स्वर्णलता के लिए एक अनिर्वचनीय माधुर्य लोक रहे, कैसा आनंद, सुख का कैसा अनास्वादित स्वाद। स्वर्ण की जीवन पोथी का यह अध्याय मनु ज्योति की बातों से ही लिखा है। वह रसोई में जाकर बोली, बड़ी बहू बताओ तो बिटिया कौन सी तरकारी कूटनी है? सास के उस प्रकाश दीप्त मुखड़े की ओर देखकर बड़ी बहू अवाक, लेकिन अपना अचरज उसने प्रकट नहीं किया। नर्म गले से ही बोली, मैं क्या बताऊँ, आपकी जो इच्छा। वाह, ऐसा क्या, तुम रसोई करोगी? तुम्हारे मन मुताबिक रसोई ही तो अच्छी होगी, कहकर स्वर्ण ने हंसिया अपनी ओर खींचा। या कभी यह भी कहती, तुम लोग तो रोज ही खटखट कर परेशान हो रही है, वो मेरी आदत खराब हो रही है, क्या पकाना है कहो, मैं रसोई करूँ। बहुए कहती, आपकी सेहत अच्छी नहीं है। स्वर्ण मीठी हंसी हंसती है, खराब क्या, खाती पीती हूँ, घूमती फिरती हूँ। अरे तुम्हारी सास चला क्या समझी, काम के वक्त तबीयत खराब है। बहुए अवाक, जब से बहुएं आई हैं सास की ऐसी मधुर मूर्ति उन्होंने कभी नहीं देखी, सोचती बात क्या है। स्वर्ण उनकी वह हैरानी ताड़ नहीं पाती, वह एक दूसरे ही दुनिया से सजे हुए प्रकाश के कण मुट्ठी मुट्ठी बिखेरा करती है। भानु मछली के साथ चने की दाल पसंद करता है, आज वही बने। कानू को मोचे का घंटों बहुत पसंद है, बड़े के साथ बहुत दिनों से बना नहीं, थोड़ी सी दाल तो भीग न दे दो बहू, अजियो आज मोचा ले आना। बाजार करने की जिम्मेदारी प्रबोध की है, इस भारी कर्म भार को उसने अपने आप ही उठाया है। चक्षु लज्जा से लड़के कभी कभार कहते जरूर हैं, हमें कह दिया होता, खुद से इतना कष्ट करने की क्या पड़ी थी। प्रबोध लेकिन सुनता नहीं, किंतु बाजार जाने के वक्त स्वर्णलता ने उसे किसी खास चीज के लिए हुक्म किया हो, ऐसी घटना अभूतपूर्व है। कम से कम तो बहुत दिनों से तो याद नहीं।
संभवत है। बच्चे जब छोटे थे तब उनके लिए बिस्कुट या लॉजेंस बार्ली या मेलिंस फूड के लिए बाजार जाते समय कहा, किंतु मुखड़े की प्रत्येक रेखा में आनंद की है ज्योति तो कभी दिखाई नहीं पड़ी। दिखाई पड़ती थी इस ज्योति की आभा स्वर्ण के मुखड़े पर कभी कभी, परंतु उससे प्रबोध का बदन जलता था। स्वदेशी युग की हलचल के समय जब भी कोई अजीब खबर आती स्वर्ण के चेहरे पर जोत जलती। जोत जलती जब कोई नई किताब हाथ में आती। जोत जलती जब घर के छोटे छोटे बच्चे बच्चे एक साथ बैठाकर पाठशाला पाठशाला का खेल खेलते, उनके पद्य मुखस्त कराती। जोत जला करती जब कहीं से घूम घाम कर या तीर्थ से लौटकर वहां की कहानी कहने लगता। इसके सिवाय एक और तरह की दमक दमक उठी थी स्वर्णलता के चेहरे पर अंग्रेज जर्मन युद्ध के समय। वहां भी एक स्थिति जैसे स्वर्णलता के ही जीवन मरण का युद्ध हो। देश के राजा अंग्रेज, परंतु स्वर्णलता चाहती कि जर्मन जीते। उसी के लिए तर्क जोश गुस्सा। औरत ठहरी, किंतु रोज अखबार मिले बिना रोटी हजम नहीं होती। वह प्रकृति उम्र के साथ साथ बदल गई। बहरहाल फिर स्वराज की जो हलचल मची उससे तो कोई आग्रह नहीं दिखाई देता, बल्कि परवाह ही ना हो जैसे। कहती, अहिंसा से शत्रु को भगाया जा सकेगा इस पर विश्वास नहीं होता। कहती, देश भर के लोग बैठे बैठे चरखा खाते तो स्वराज आएगा, फिर तो दुनिया से शुरू से आज तक इतने अस्त्र शस्त्र ही तैयार नहीं होते। उत्तेजित होकर तर्क नहीं करती, केवल कहती, शक्ति सामर्थ्य घट गई है, छीन गई है, इसलिए चेहरे की वह चमक भी जाती रही, खास करके अदेखी माँ और औचकी देखे मेरे बाप के शोक के बाद से। तो हठात मानो उस मुरझाहट की केचुल उतारकर फिर से नई हो उठने जैसी लगी स्वर्ण। क्यों, दिमाग में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही? पागल ही तो है, कभी हंसते कभी रोते हैं। खैर, अभी जब वह हंस रही है तो उसी से कृतार्थ होना ठीक है। प्रबोध कृतार्थ ही हुआ। विचलित स्वर में बोला, मोचा? अजी, मोचा लाने का मतलब हुआ तुम्हारी परेशानी? बहुए क्या ठीक ठीक से कुट काट सकेंगी? स्वर्ण बोली, सुन लो, अरे सब तो कर रही हूँ, हार किस में रही है वे? लेकिन मेरे जी में आया, आखिर तो पकाना चुकाना भूल जाऊं? कृतार्थ सुप्रबोध सोचते हुए बाजार को लपका। आह, ऐसा दिन क्या सदा नहीं रहता? यही तो जिंदगी चाहिए। घर नहीं फरमाइश करेगी यह लाओ वह लाओ, मालिक वह फरमाइशी चीज लाकर 7 बार घुमा फिरा कर दिखलाएगा, वाह वाह करेगा। घर नहीं ढंग से पकाएगी, समय पर मजे से खाना पीना होगा, और फुर्सत के समय दोनों प्राणी बैठकर पान का डिब्बा लिए बेटा बहू समधी समधिन का निंदाबान करेंगे, इस युग के फैशन की आलोचना करेंगे। इस उम्र की गृहस्थी की यही तो तस्वीर है। प्रबोध के हम उम्र बंधु बांधव तो इसी सुख में निमग्न है। प्रबोध के ही भाग्य में व्यतिक्रम है। इस जीवन में यह साधारण सा सुख भी नसीब नहीं हुआ। धरनी तो सिंहवासिनी हो जैसा, ताश का अड्डा इसके लिए टिका है प्रबोध बेचारा। तो क्या इतने दिनों से भगवान ने आंखें ठहरा कर उसे निहारा? पागल वागल सी होकर स्वर्ण सहज हुई जा रही है, या कि उसने अपनी भूल समझी है? सो चाहे जिस कारण से भी हो, स्वर्ण ने सहज भाव प्रसन्न मुख से कहा, अजी बाजार जा रहे हो, मोचा तो ले आना। इसी परम सुख के सागर में उतरते उतरते प्रबोध बाजार गया, जरूरत से ज्यादा ही मछली सब्जी ले आया। स्वर्ण ने शायद अंदाज किया उसकी उस कॉपी को छपने में कितने दिन लगेंगे। कितने दिन लग सकते हैं धारणा अवश्य खास नहीं थी, फिर भी कितने ही दिन लगेंगे? बहुत हुआ तो 2 महीने कम भी लग सकते हैं उसके बाद। अच्छा, जगुजेठ जी तो मेरा नाम ही नहीं जानते, क्या पता, लेकिन जानेंगे भी कहाँ, उनके सामने मेरा नाम लिया कब किसने? तो बिना नाम के ही किताब छपेगी, या मामी जी से जान लेंगे? मामी ही क्या ठीक जानती है, मजरी बहू कहने की तो आदि है। सहसा अपने ही तय पर हंस उठी स्वर्णलता, हाय राम, कॉपी के पहले पन्ने पर तो उसका नाम है। जगु जेठ जी ने जिस लिखावट की प्रशंसा की उसी लिखावट को और सवार सवार कर अपना नाम नहीं लिखा है उसने? बड़े जतन बड़े हौसले से कलम को पकड़कर स्वर्णलता ने लिख रखा था, श्रीमती स्वर्णलता देवी। वह लिखावट नजर में नहीं आएगी? नहीं नजर आई। पहाड़ा याद करने जैसा बार बार इस बात को मन दोहराती रही है, वह नजर नहीं आएगी। किताब पर लिखा रहेगा श्रीमती स्वर्णलता देवी।